विराट कोहली को भाई आईसीसी ने जबरदस्त इनाम का मतलब क्या इनाम दिया है, क्या फायदा कराया है, और ये फायदा किस मतलब हुआ कैसे, ये हमें समझ नहीं आ रहा। बीइंग एन इंडियन फैन हम ये सोच रहे हैं कि वो विराट कोहली जो 12वें पायदान पे थे आईसीसी की, धीरे धीरे खिसक खिसक कर गए थे, रन नहीं बने, वो 4 से 6 पे, 6 से 8 पे, 8 से 10 पे, 10 से 12 पे धीरे धीरे खिसक कर गए थे। तो एकदम से क्या हो गया कि वो क्या छह पे पहुंच गए, 12 से 6 की छलांग यहाँ पे, मतलब दोनों पारियों में अर्धशतक भी नहीं आया, कुछ इतना कुछ गजब का भी नहीं किया, लेकिन इतना बड़ा जो छलांग मारी है हर कोई दंग रह गया। अच्छी बात है, हम चाहते हैं विराट कोहली को नंबर 1 पे वापस पहुंच जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि गणित है क्या। ये गणित मैं समझा देता हूं। हाँ बताओ। ये गणित है, उन्होंने 47 रन बनाए, अगर 48 का पहाड़ा याद हो किसी को, 48 का मतलब अगर डिवाइड करो तो 8 रन बनाओ और एक पायदान ऊपर चले जाओ, 8 रन बनाओ एक पायदान ऊपर चले जाओ, 8 रन बनाओ, तो उन्होंने 47 48 तो 6 पायदान का फायदा हो गया। अगर ऐसा आईसीसी सोच रही है तो, हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, अच्छे टच में नजर आए लास्ट में, वो जो अब लास्ट में नॉट आउट भी रहे जब चेज कर रहे थे वो 95 का टारगेट, लेकिन इतनी जिस हिसाब से धीरे 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 करके फॉर्म जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे रैंकिंग्स जा रही थी, लेकिन एकदम से वो एक छोटी पारी उससे इतना ज्यादा फायदा हो गया। हालांकि अब पता नहीं है क्या सिस्टम है, किस तरीके से रैंकिंग्स आईसीसी वाले बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, विराट कोहली वापस टॉप 10 में भी आ गए हैं, 6 नंबर पर वो पहुंच गए हैं, और शॉकिंग जरूर है लेकिन खुश हैं हम इस अपने लिए कि विराट कोहली। और इसमें अगर हम रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बात करें, इनको किस बात का झटका लगा, मुझे ऋषभ पंत को भी, ऋषभ पंत को भी यहाँ पे शतक लगाने के बाद इनको भी बड़ा झटका लगा। एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए विराट कोहली तो चलो पहुंच गए नंबर 6 पे, लेकिन 6 से 9 पे आ गए हैं ऋषभ पंत यहाँ पे, और उसके बाद रोहित शर्मा की मैं बात करूँ, इनको 5 पायदान का नुकसान हुआ है, 10 से 15 पे आ गए अभी, और शुभमन गिल की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे शुभमन गिल आ गए 16वें नंबर पे, इनको 2 पायदान का नुकसान हुआ है। मतलब जिन्होंने दोनों ने चेन्नई में शतक लगाया, ऋषभ पंत और शुभमन गिल, ऋषभ पंत 3 पायदान नीचे खिसक कर चले गए, शुभमन गिल 2 पायदान नीचे खिसक कर चले गए, और विराट कोहली जिन्होंने 47 रन बनाए उसके बाद नॉट आउट रहे, कुछ थोड़े बहुत ही रन बनाए उन्होंने दूसरी पारी में भी, बस नॉट आउट रहे। लेकिन ना ये चलो सारी चीजें ठीक है, रोहित शर्मा ऋषभ पंत गिल को नुकसान हुआ, विराट कोहली को फायदा हुआ, लेकिन जो सोच टीम इंडिया की लग रही है ना प्रियांशु, वो शायद इन रैंकिंग्स को अब देख भी नहीं रहे, ये जो नया एरा शुरू हुआ है जहां पर इंडिविजुअल स्कोर्स रैंकिंग्स ये चीजें शायद अब मैटर नहीं कर रही है इतनी ज्यादा, और सिर्फ एक ही मोटिव के साथ मैदान पर उतर रहे हो कि आपको मैच जीतना है, दैट्स इट, और यही मोटिव रहे तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, और यही आईसीसी रैंकिंग आई थी, लेकिन जैसे चिराग ने कहा रैंकिंग शायद यहाँ पे जो खिलाड़ी है उतना नहीं सोचते होंगे, लेकिन खिलाड़ियों के जो दर्शक होते हैं उनके दिमाग में ये चीजें रहती है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे जो विराट कोहली जो नंबर 6 पे पहुंच गए, रोहित जो नीचे आ गए, इस पर आप लोगों की जो भी राय है आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सारी हमने यहाँ पे जो आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग्स आई थी आज ही आई है, थोड़ी देर पहले ही 15-20 मिनट पहले आपको यहाँ पे सारी रैंकिंग्स बता दी है। बुमराह नंबर 1 बन गए टेस्ट गेंदबाजी की अगर हम बात करें, और रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पे है, यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 3 पे आ गए, विराट कोहली नंबर 6, रोहित शर्मा नंबर 15 पे, और 16 पे है यहाँ पे शुभमन गिल, और नंबर 9 पे है आपके ऋषभ पंत।